नमस्कार। हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्रमांक 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। अब हमें गुणनखंड विधि से इसे हल करने के लिए एक्स वर्ग इस ऋण को जैसे का वैसा लिख देना है, इस 3 की जगह को खाली करना है, एक्स के स्थान पर एक्स, ऋण के स्थान पर ऋण, 10 के स्थान पर 10 बराबर 0 के स्थान पर 0। ये मैंने लिखा। अब अंतिम पद के सामने जो चिन्ह है वही हमें इस कोष्टक के अंदर लगा देना है। ध्यान दीजिए, हमने इस 3 की जगह को खाली किया और अंतिम पद के सामने के चिन्ह को हमने इस कोष्टक के अंदर लगा लिया। अब हमारे पास अंतिम पद है आंकिक रूप में 10। इस 10 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। तो हमारे पास आया 2 और 5, यानी हमारे पास यहां ऋण का चिन्ह है। तो हम इस 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ें जिनका अंतर 3 हो। ऐसी 2 संख्याओं में तोड़े हम 3 को जिनका अंतर 3 हो। तो हमने हमारी सुविधा के लिए इस अंतिम पद का गुणनखंड भी किया, तो हमें 5 में से 2 घटाने पर वास्तव में 3 प्राप्त होता है, यानी अंतर हमें 3 प्राप्त होगा यदि हम पहली संख्या यहां 5 लिखें और दूसरी संख्या 2। 5 और 2 ही क्यों? क्योंकि हमें उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी प्रथम पद एवं अंतिम पद के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो हमें पता है कि प्रथम पद यहां 1 है गुणांक और ये अंतिम पद 10 है, तो 10 आना चाहिए। थाम 10, तो 10 आना चाहिए हमारा इन दोनों का गुणा, दोनों संख्याओं का आ भी रहा है 10 और दोनों का अंतर भी 3। तो हमें यही 2 बातों का ध्यान रखना है। तो आइए हम यहां लिखते हैं x वर्ग जैसे का वैसा ऋण, यहां जो हमने जगह छोड़े थे तो यहां पर आ जाएगा 5 और दूसरी संख्या 2, x ऋण 10 बराबर 0। अब हमें अंदर गुणा कर देना है, तो x वर्ग ऋण अंदर जाएगा तो ऋण 5 और x भी अंदर आएगा, ऋण 5 एक्स, फिर ऋण अंदर गया तो 2 बार ऋण के कारण हुआ धन, और एक्स भी अंदर आया 2x। ये देखिए ऋण ऋण आपस में मिले तो धन, यहां पर धन था इसलिए यहां आया ऋण, अंदर के चिन्ह बदल देता है ऋण अंदर जाता है, तो ऋण 10 बराबर 0। अब हमें इसे 2 2 के पदों में तोड़ देना है। तो पहले 2 पद हैं एक्स वर्ग ऋण 5x और ये धन का निशान, दूसरे 2 पद हैं 2x ऋण 10 बराबर 0। अब हम इन दोनों में से क्या बाहर निकल सकता है वो चेक करेंगे। इन दोनों में से क्या निकल सकता है? x, x को हमने कॉमन लिया, देखिए तो यहां भी x, यहां भी x, एक x बच गया ऋण 5, और यहां पर है दोनों में x तो बाहर निकलेगा नहीं, 2 निकल सकता है क्योंकि 2 10 को विभाजित करता है, तो ये 2 कॉमन निकालो, एक्स ऋण 2 5 10, 2 जब हमने 10 के गुणांक में से 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर कौन बचेगा? 5। ये देखिए, ये दोनों गुणनखंड हमारे पास एक्स ऋण 5 और एक्स ऋण 5 दोनों प्राप्त हो गए हैं, तो हम एक्स ऋण 5 को कॉमन ले लेंगे। इस तरह से एक्स ऋण 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से एक्स ऋण 5 बाहर निकल गया, यहां से भी एक्स ऋण 5 बाहर निकल गया, तो अंदर बचा एक्स, ये वाला धन और ये 2। इस तरह से हमने एक्स वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0 द्विघात समीकरण के गुणनखंड ये प्राप्त किए, x-5 और x+2। धन्यवाद। इन प्राप्त गुणनखंडों से अब हम मूल निकालेंगे। हमें प्राप्त है x-5 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0।
तो जब हम इन दोनों का गुणनफल 0 है, अर्थात इन दोनों में से जब कोई एक शून्य होगा तभी इन दोनों का गुणनफल 0 होगा। तो जब x ऋण 5 बराबर शून्य मानते हैं तो x बराबर 5 प्राप्त होता है, तथा जब हम x धन 2 बराबर शून्य लेते हैं तो x बराबर 2 का पक्षांतर करने पर ऋण 2 प्राप्त होता है। अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 5 एवं ऋण 2 है।